नमस्ते, अभी हम आपको कार का स्पीकर बनाना बताएंगे, बहुत आसान तरीका से, बहुत जल्दी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है किस प्रकार काम को किया जा रहा है। मतलब कोई सा भी हार्ड कॉपी लेना है, हार्ड कॉपी लाके छोटा सा टुकड़ा काटना है, मतलब कि ऐसा गोल बना ले पन्नी का, उस गोल को साफ कर देना पहले, उस होल को, ठीक ना, उस होल को मतलब ढुका ढुका उसको साफ कर देना है। और कांच कुछ इस प्रकार से उसी होल में एडजस्ट करने के लिए, जैसे छोटा सा नहीं पेंसिल का बैटिक लेना है और एक गूंद लेना है, ताकि सुलेशन टाइप का होता है, सुलेशन लीजिएगा, ठीक ना जी। और इस सुलेशन को पहले हटा दीजिएगा अच्छी तरह से मुंह पर का, फिर उसके भाग को वहां से चिपका दीजिएगा, ऐसे चिपका दीजिएगा। उसके बाद क्या काम करना है, इसको पहले अच्छा से चिपकाइएगा, ध्यान रखिएगा कि अच्छी से काम हो, सब काम को आराम, और उस होल में वो एडजस्ट हो जाए। तो ये एडजस्ट हो जाएगा, देखिए फिर से थोड़ा बहुत कम रहा था, हम इसको एडजस्ट करें इसको। इसमें एक वायर लेना है, देखिए कौन सा वायर है, ये पतला वाली वायर लेना है आपको, ताकि यहाँ से यहाँ लाइन फॉलो कर जाए, ठीक है। नहीं फॉलो करने के लिए उसके बाद क्या करना है, उसको आराम से वहीं पे लपेटना है उसको, हेलो हेलो हेलो, मतलब स्लोली में लपेटना है। ये येलो वायर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह में होता है, चार्जर के अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें पतला पतला वायर होता है पीला कलर के, उस वायर को लेना और धीरे 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 इसको तुम सटा सटा के और गूंद के सहायता से उसको चिपका देना है। इसको चिपकाइए गूंद के सहायता से, फिर उसमें तो फेविक्विक लगा दीजिएगा तो और बेटर रहेगा जी। तो फेविक्विक लगाइए और उसमें एक जो फिर गूंद लगा दीजिए ऊपर, गूंद लगा के अच्छी तरह से गूंद पर ध्यान दीजिए, काम को किस प्रकार से जा रहा है उसको भी ध्यान रखिएगा जी। इसको ऐसे से फिर लगाइए और इस पर एक ठो कांच लगा दीजिए। कुछ लगाने के बाद कुछ मतलब होता है, वायर को मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद वहाँ पर आप कांच को ला कर चिपका दीजिए। आप देखिए इसमें अंदर से पूरा उसको दाब देना है, ताकि कुछ भी उसमें एडजस्टिंग नहीं हो, वहाँ पे इसको एडजस्ट करवाना है। तो उसको एडजस्ट करवाने के लिए फिर इसमें आप डाउन अपना थोड़ा बहुत करेगा तो वहाँ पर हल्का हल्का करते हो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। एक आपको हार्ड वायर लेना है, जो हमने लिया था उस वायर में से एक वायर खींच के उसमें स्प्रिंग टाइप के बना है, कुछ इस प्रकार स्प्रिंग बना दीजिएगा, और इसमें इस जो बनाए थे आप, इसके अंदर में उसको ढुका देना है, और ढुका के ए वो सिरा को न हल्का सानी फेविक्विक के सहायता से इसको चिपका देना है, और ताकि वहाँ पर ये जंप करे, अप डाउन करे, वो देखिए ये जंप करे, यही आवाज़ को क्रिएट करता है, यही जो है यही आवाज़ को क्रिएट करता है। अब गोल सर्कल काट लीजिए, ऐसे गोल सर्कल बनाए, फिर उसके अंदर में एक थोड़ा सर्कल बना दीजिए और उसको चारों तरफ से राउंड करके काट लीजिए, इसको काट लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अंदर से भी गोल काट लीजिएगा, और यहाँ से तिरछा तिरछा काटने के बाद इसको हल्का सानी अति करके और इसको फिर सुलेशन के माध्यम से चिपका देना, ऐसे कटोरी बना देना है, ये कटोरी बना दीजिएगा। तो इस प्रकार का ये पार्ट होगा, ये इसका पार्ट होगा, इसके आरी आरी तरफ इस प्रकार से मतलब गूंद को लगा देना है और इसको ढुका देना है। इस दोनों वायर को बाहर निकालना है, ठीक है। दोनों वायर को बाहर निकालने के बाद ये जो आप सुलेशन इसको आरी आरी इस पर लगा दीजिएगा, और आरी आरी लगा दीजिएगा अच्छी तरह से, और ये जो आपका है उसके ऊपर से इसको बैठा दीजिए, इसको चाप देता अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो इसको फिर नहीं चिपकाया, थोड़ा इस पर गूंद लगा देता, ताकि उस पर अच्छा तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऊपर का जो भाग था, इसको हमने बैठा दिया ऊपर, ऊपर से भी गूंद को लगा दीजिएगा, और एक ऊपर से बनाना होता है कटोरी टाइप का, तो छोटा सा नहीं सर्कल काटिएगा, इस प्रकार छोटा सर्कल काटिए, छोटा सर्कल काटिए। वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर कभी कोई बात समझ में ना आए तो मतलब बैक कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको तीछा करिए, तीछा करने के बाद इसको गोल बनाइए, इसमें मत बीच में काटिएगा। इसको देखिए टोपी टाइप के बनाना है, इस टोपी टाइप के बनाना है, और इसमें दो गो छेद कर देना है, दो गो छेद करके वो दोनों वायर को निकाल देना है, जो दोनों वायर था, एक था ना वायर, एक तो मतलब जो इनपुट था, एगो आउटपुट था, तो दोनों इनपुट आउटपुट दोनों को निकाल लेना है और दोनों को यहाँ पे अटैच कर देना है। दोनों को अटैच कर दीजिए, और यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिए हैं, और इस कटोरी को ऊपर से चिपकाना है, देखिए इस प्रकार से इस कटोरी को चिपका देना है, यहाँ पर यह कटोरी चिपक गया है। इसको आप सुलेशन वगैरह से चिपकाइएगा तो बढ़िया रहेगा, और स्पीकर को बजा के बता रहे हैं स्पीकर में साउंड किस प्रकार से क्रिएट होगा, यहाँ पे थोड़ा आवाज़ सुनिएगा, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, क्योंकि कांच है, थोड़ा मेहनत लगा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया है, तो इसीलिए छोटा सा नहीं लाइक। यहाँ से दो टायर ऐड कर लेना है, एक रेड और ब्लैक, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई वायर कर सकते हैं, मगर थोड़ा पहचान के लिए रेड और ब्लैक कर लिए। स्पीकर पहले से मेरे पास था,
आपको यहाँ पर हार्ड पेपर लगाना है। हमारे पास हार्ड पेपर नहीं था इसलिए ये चरचरा रहा है। यहाँ पर आप हार्ड पेपर का उपयोग जरूर करिएगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट बच गया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा और ट्राई करिए जरूर, नहीं किए तो कोई खर्चा तो नहीं।